बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। धामी कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है। स्वास्थ्य शिक्षा सहित कई भागों के प्रस्ताव इस बैठक में शामिल होंगे। कई अहम प्रस्ताव होंगे जिन पर मोहर लग सकती है। बैठक में अनुपूरक बजट पर भी मोहर लग सकती है। तो धामी कैबिनेट की आज बेहद अहम बैठक। स्वास्थ्य शिक्षा सहित कई भागों के प्रस्ताव इसमें शामिल है। तो बैठक में अनुपूरक बजट पर भी मोहर लग सकती है। धामी कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है, एक अहम बैठक, और कई मुद्दे होंगे जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा सहित कई विभागों के प्रस्ताव हैं, और जो प्रस्ताव रखे जाएंगे उन पर चर्चा कर उन्हें हरी झंडी दिखाई जा सकती है। कुलदीप इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, बेहद अहम बैठक, कैबिनेट की कई मुद्दों पर चर्चा होगी, कितने प्रस्ताव तकरीबन आज रखे जाएंगे? देखिए, आज 12 बजे से सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक होगी। आज की जो बैठक है, इस बैठक में कई प्रस्ताव आएंगे। उनमें कुछ ऐसे विधेयक भी हो सकते हैं जो सरकार अब शीतकालीन सत्र में लाने जा रही है। जो चर्चाएं हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो एक तो 30% ऐसे आरक्षण को लेकर है। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो नकल रोधी कानून को लेकर है, जिसमें की पहले से ही जो प्रस्ताव है यूके ट्रिपल एससी की तरह से शासक हो गया था, उसके बाद उसका अध्ययन भी किया गया। अब सरकार इसे विधानसभा के जो शीतकालीन सत्र होगा जो 29 से नवंबर से आहूत हुआ है उसमें ला सकती है। तो ये जो प्रस्ताव है ये राज्य कैबिनेट की बैठक में आ सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए कुछ प्रस्ताव आ सकते हैं, जिसमें की नर्सिंग भर्ती सेवा नियमावली का प्रस्ताव, उसमें भी वो भी कैबिनेट में आ सकता है। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण विषय है जो कि राज्य कैबिनेट की बैठक में आएंगे। दोपहर 12 बजे ये कैबिनेट की बैठक सचिवालय में होगी। जी शुक्रिया आपका कुलदीप, तमाम जानकारी देने के लिए।